सौर्य दिवस पर गुरुवार को पूरा धनबाद कोयलांचल जय श्री राम जय हनुमान के नारों से गुंजमान रहा। हिंदू सेना द्वारा लोयाबाद से रणधीर वर्मा चौक तक भव्य बाइक जुलूस निकाली गई। नेतृत्व हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष मंटू चौहान ने किया। मंटू चौहान ने कहा कि संतों ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस का नाम दिया है। संतों के मार्गदर्शन में ही रैली का आयोजन भी किया गया। केंद्र सरकार राम मंदिर के मुद्दे पर अभी तक कोई संतोषजनक कदम नहीं उठा पाई है। राम मंदिर को लेकर राजनीति जोर शोर से चल रहा है, जो एकदम बर्दाश्त से बाहर है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का निर्माण नहीं होता है तो भाजपा सरकार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तमाम हिंदू सेना धनबाद के जितने भी कार्यकर्तागण हैं, इस रैली को निकाले हैं, क्योंकि आज एक भारत के माथे के ऊपर से बहुत बड़ा कलंक मिटा था। वो था बाबर का मस्जिद, जिसने जबरन भगवान राम के मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद स्थापित की थी। 1992 में 6 दिसंबर को कार सेवकों ने जिस तरह से अपना शौर्य दिखाया था, उस तरह से उसी चीज को मनाने के लिए हम लोग आज शौर्य दिवस पर इस रैली को किए हैं। आने वाला चुनाव में 2019 में जो लोकसभा चुनाव आएगी, उससे पहले अगर राम मंदिर की नींव नहीं रखी गई तो सरकार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तो पड़ेगा इस बार। हिंदुस्तान को मैं हार्दिक शुभकामना देते हुए मैं मांग करती हूँ कि अंधादेश लाओ और राम जन्मभूमि में मंदिर बनाओ। ये मेरा सबसे पहले निकलेंगे, हमारे हिंदुस्तान के लोग निकलेंगे और मेरा राम मंदिर बनेगा, क्योंकि हमारे सबके साथ है, हमारे सबके सर पर छत है। मौके पर हिंदू सेना के जिला संयोजक सुभाष यादव, जिला उपाध्यक्ष निरंजन भगत, महासचिव अमर यादव, राजू चौहान, पवन चंद्रवंशी, सौरभ पांडे आदि मौजूद